निज़ाम फिर जो है इस मुल्क के अंदर तमाम मसाइल के हल को इंशाअल्लाह पेश करेगा। और इस ट्रस्टेड निज़ाम है और इसने आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर गवर्नेंस की है और आप सब उसकी बड़ी लंबी तफासिर को इस हवाले से जानते हैं। इसमें जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस विज़न को रखती है, हमने जो अपना इंतखाबी मंशूर बनाया है इस फोर्थ कमिंग इलेक्शन के लिए, उसके ऊपर मोटा मोटा हमने ये लिखा है कि हम इस मुल्क का इंशाअल्लाह मदीने के दर्ज किए फलाही रियासत बनाएंगे और इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जमात की तारीख में बाइकॉट भी मौजूद है, इलेक्शन में हिस्सा लेना भी मौजूद है, लेकिन जब भी हम गए हैं कुछ ना कुछ दो चार लोग तो असम्बलियों में पहुँचे हैं हमारे, और अब तक को 150 के करीब सैनेटर्स MNA MPs असम्बलियों के अंदर हमारे तवसत से हम पहुँचते रहे। और अल्लाह का ये खुसूसी करम है, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इंफरादी कोताहियाँ और इज्तमाही फैसले हम ही कोताहियाँ हो जाती हैं, इंसान हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि कौम के साथ कोई बदमामलगी नहीं की है, करप्शन नहीं की है। अब कर्ज़ों को माफ़ कराने की जब फरिश्तें शाया होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के किसी मेम्बर का नाम नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में पार्लियामेंटेरियन को रिश्वत के तौर पर रिजर्व प्राइस के ऊपर 16-16 लाख, उस वक्त 92-93 की बात है, इथनॉल का प्लाट होता था, 4-4 लाख में दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के किसी पार्लियामेंटेरियन का नाम उसके अंदर नहीं है, हालांकि सब ने हाथ रंगे, नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, सब ने उसके अंदर अपने हाथ रंगे, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने जमात इस्लामी के मेम्बरान को इससे बचा के रखा। हालांकि इख्तियार मौजूद था कि एप्लीकेशन देनी होती थी तो अलाट हो जाता था, और वो लेने वाले मौके के ऊपर मौजूद होते थे, आपने एप्लीकेशन दे के आपको अलाट होना है, पैसे भी वो नया खरीदार आके देता था कि पैसे भी हम तो ले गए, जाहिर है मुनाफे का काम होता था, लेकिन अल्लाह ने जमात को भी जमात को इसमें से बचा के रखा। इसमें मैं ये इल्तमास करूँगा कि ये रबीउल के महीने का ये जो है ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी तकाजा है कि हम इस मुल्क के अंदर कुरान को और अल्लाह के नबी सल्लम के लाए हुए निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जितनी भी हमारी सलाहियत है इस हवाले से हम उस सलाहियत को इस्तेमाल करें, जिस जिस कैपेसिटी में भी हैं, जो भी हमारा दायरा कार है, हम खैर की बात करें इस हवाले से और कौम को यकसू करें इस हवाले से। और मैं बिल्कुल दो टोक बात इस हवाले से करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुतबादल जो है वो क़्यादत हम यहाँ पर फ्राहम करें। इसमें यही हल्का है राना अफजल साहब, यही हमारे हैं ना जी, हम असम्बली के लिए हमने डेजिग्नेट किया है, और इंजीनियर उमर दराज फारूकी साहब को हमने सूबाई असम्बली के लिए हमने डेजिग्नेट किया है। ये दोनों बंदे आपके सामने आपके शहर में रखते बसते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई करप्शन के चार्जेज हैं, तो आप हमें आगाह करें और बताएँ कि भाई ये इनके खिलाफ चीज़ें हैं, हम इसके बारे में रिव्यू करें। लेकिन मुझे मालूम है अल्लाह का एहसान है, खामियां कोताहियां हैं, इंसान है, लेकिन यह है कि इस तरह की कोई चीज़ इनके खाते के अंदर मौजूद नहीं है। ये आप सब तशरीफ़ फरमाए हैं, बार के सदर भी मौजूद हैं, हमारे और भी भाई ओखला और मौजूद हैं, डॉक्टर साहबान बैठे हैं, तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो एक मुतबादल की आदत हम इस हवाले से पेश कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर पज़ीराई देंगे, उनके ऊपर शफकत का हाथ रखेंगे, होगा ना जी शफकत का हाथ, इंशाल्लाह आप दोस्त सिराग से सिराग चलाएंगे, इंशाल्लाह ये कामयाबी के मराहिल भी तय होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के ऊपर करम भी करेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो इस हवाले से हमें हमारी सरपरस्ती भी करे, हमें बेहतर फैसला करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, हमारे नज़र बला आप दोस्तों ने कुछ